हेलो फ्रेंड्स, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि गरम एकदम गरम तेल में आप कच्चे साबूदाने को फ्राई करके एक अनोखी रेसिपी बना सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी नवरात्रि के 9 दिन आप खा पाएंगे। इतनी अच्छी रेसिपी हमारे उपवास की बनने वाली है, तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में मेरे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसी ही नई रेसिपी आपको रोज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल साबूदाना आता है मीडियम साइज़ के, वही साबूदाना को यहाँ पर ले लिया है दोस्तों। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साबूदाना छोटे वाले आते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं दोस्तों, और आलू को यहाँ पे छील लेती हूँ क्योंकि आलू को छीलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आलू मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज़ के 3 आलू ले लिए हैं। और आलू के छिलके को निकालने के बाद दोस्तों हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी छन्नी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं घिसने के लिए, ग्रेट करने के लिए। तो ये बड़े साइज़ की है तो ये, और ये छोटे साइज़ की है। आपके पास जो भी है और आपको जैसा भी पसंद है आप उसके हिसाब से आप इस यहाँ पे ग्रेट कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइप की है मीडियम साइज़ की, तो बस मैं उसी से ही ग्रेट कर रही हूँ आलू को। और आप देख सकते हैं कि जो चिप्स है आलू की तो वो इस तरीके से हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आपके पास लंबे आलू है तो उसी का ही चॉइस कीजिएगा, क्योंकि जो इसकी चिप्स बन के तैयार होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। मेरे पास छोटे आलू थे तो आप चिप्स देख सकते हैं, तो मीडियम साइज़ की छोटी छोटी चिप्स यहाँ पे हो रही है। देखिए, अगर आपके पास लंबे आलू होंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है दोस्तों, और बाउल के अंदर ये हमने जो आलू की जो पीस यहाँ पर कट करके रखे हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ताकि काले ना हो। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपने खुले में छोड़ दिया तो ये आप काले भी पड़ जाएंगे आलू और इसका देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से 3 आलू की जो चिप्स है बना के तैयार कर ली है। और दोस्तों, इसको चिप्स नहीं बोलते लेकिन क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चिवड़े के टाइप की जो होती है वही बनाई है मैंने, लॉन्ग चिप्स होती है वही। हाँ दोस्तों, ये आलू के जो लच्छे हैं वो मैंने यहाँ पे ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, कि इसका जो एकदम साफ़ मैंने कर लिया है, इसका जो पानी है वो भी एकदम साफ़ दिख रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी 2 से 3 बार आलू के लच्छों को धो लेना। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर हम यहाँ पे जो हमारी ये लच्छा है आलू की वो यहाँ पे डाल देंगे। बिल्कुल खुली खुली डालनी है दोस्तों, एकदम एक साथ में नहीं डालनी है। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ी दूरी दूरी पे डालनी है। और आपको लगे कि एक साथ जो लगी है उसको आप अलग छोड़े थोड़ा दूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े चिप्स को अलग भी कर रही हूँ आलू के लच्छे को, कि अच्छे तरीके से इसके से पानी से निकल जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एक और कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके इस तरीके से पानी को मैं निकाल लेती हूँ। और आप 10 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर साबूदाना को फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों, साबूदाना जो है मैंने एकदम कच्चे यूज़ किए हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये पॉपकॉर्न की तरह फूट टूटने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से ये काम कीजिएगा। और हमारा ये स्टेप कब होगा फ्रेंड्स कि ऑयल जो है एकदम आपको एकदम से गरम गरम ऑयल होगा तभी डालेंगे, तभी जो हमारे साबूदाना है वो पॉपकॉर्न की तरह फूट करके अच्छे से तैयार होंगे। अगर आपने ज़रा से भी कच्चे ऑयल में आपने ये साबूदाना डाला तो ये चिवड़ा बिल्कुल ख़राब लगेगा, बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि ऑयल जो है एकदम हॉट ऑयल होना चाहिए, एकदम उकलता मतलब गरम गरम ऑयल होगा तभी आप ये साबूदाना को फ्राई कीजिएगा। बाकी क्या होगा कि मुँह में या दाँत में चिपकेगा दोस्तों, इस ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ऑयल जो है एकदम से गर्म होना चाहिए। अब हमारे आलू के जो लच्छे हैं वो भी एकदम से पानी जो है
उसमें से निकल चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो उसी ऑयल के अंदर हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे आलू के लच्छे को भी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आलू के जो लच्छे हैं वो जब डालेंगे तो ऐसे ऑयल एकदम ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे बबल्स भी दिखने लग जाएंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आलू के लच्छे को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और दोस्तों ये साबूदाना और आलू के लच्छे को फ्राई करने का तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों, क्योंकि ये लच्छे को फ्राई करना है तो उसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना होता है, जबकि साबूदाना को एकदम गरम ऑयल में फ्राई करना होता है। तो ये बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखिए। और आलू के लच्छे देख सकते हैं फ्रेंड्स एक तरीके से क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेती हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पर मूंगफली के जो दाने आते हैं दोस्तों उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। अगर मूंगफली के दाने आप उपवास में तो वैसे खाया ही जाता है, तो देखिए मैंने मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंगदाना को लिया था, उसको फ्राई किया है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने किशमिश और काजू लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता जो है उसको भी फ्राई कर लिया है, क्योंकि दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू साबूदाना और आलू का लच्छा का चिवड़ा बनाएंगे, जो कि उपवास में हम खा सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं, नवरात्रि चल रही है फ्रेंड्स, तो ये एक बार बना के ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा लगता है। ना साबूदाना को भिगोने की झंझट होती है, ना कुछ भी होता है, एकदम इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने बताया इस तरीके से दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान रखिए साबूदाना हमको कब फ्राई करना है, बिल्कुल जब गर्म तेल होगा एकदम से तभी फ्राई करना है, तब आप देखेंगे कि एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साबूदाना और लच्छे, आलू के लच्छे और ये सारे हमने जो फ्राई करके रखे हैं, मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश सब मैंने डाल दिया है एक साथ। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी, पीसी हुई चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दोस्तों। तो चीनी को नॉर्मल आप ले लीजिए और पीस लीजिए। और बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया सेंधा नमक दोस्तों। सेंधा नमक उपवास में व्रत में चलता है दोस्तों, इसलिए मैंने यूज़ किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ भी कोई नमक यूज़ नहीं करते ना खाते हैं, तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीनी डाल के खाएंगे तभी भी ये चिवड़ा बहुत ही मज़ेदार सा लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है, और एकदम क्रिस्पी हमारा जो नाश्ता है बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने एकदम से अनोखी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ये साबूदाना के पॉपकॉर्न की बोल सकते हैं आप, इतनी अच्छी है। हमारा जो चिवड़ा है बन करके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं साबूदाना एकदम खिले खिले और एकदम फूले फूले बन करके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में। हर हर महादेव।